चलिए बेटा अब अगले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है और इसका आंसर कितना आता है। बेटा हमें बोला है एक्सप्रेस 9 माइनस 3 पावर में इसके विद बेस 3, यानी हमें ये बोला है बेटा कि इसको सॉल्व करिए और इसका बेस 3 रखते हुए पावर के फॉर्म में इसको सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम सॉल्यूशन पे चलेंगे बेटा। यहाँ पर लिखा हमारे पास क्वेश्चन है 9 के पावर माइनस 3, तो आपको पता है बेटा कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 या 3 के पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं बेटा तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और होल ओवर पावर माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा 3 के पावर माइनस 6। आगे बात समझ में। अब इसका अगर सोल्यूशन चाहिए बेटा तो अगले नंबर पे हम इसको कर सकते हैं 1/3 के पावर 6। देखिए जब नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और आगे इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इतना लगाना है। लेकिन आपका आंसर ये वाला है क्योंकि आपसे बोला है कि बेस 3 रखना है, तो इसका बेस कितना है बेटा 3, तो आप इसको मत लिखिएगा बल्कि इसी को आंसर लिख दीजिएगा। समझ में आ गई बात। देखिए बेटा बेस 3 के पावर माइनस 6 हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो दे रखा है, इसमें पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोला कि सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी बेटा इसका जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है बेटा कि जो पावर में आ जाएगा आंसर, तो पावर में ही ला करके हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसको आगे की तरफ सॉल्व नहीं करेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम लोग चलें तो इसमें लिखा है 8 ब्रैकेट क्लोज उसके ऊपर पावर 5 इंटू 3 के पावर माइनस 5। तो बेटा सबसे पहले हम ब्रैकेट के बारे में सोचते हैं, तो ब्रैकेट के बारे में देखेंगे बेटा। तो देखिए इसका बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर मैंने बताया था कि माइनस हो जाएगा, तो 3 के पावर माइनस 5 में से 8 चला जाएगा बेटा, तो 3 बचेगा, लेकिन 5 माइनस में करेंगे तो यहाँ पर 8 वाला क्या है, बड़ा है साइन इसका माइनस का, इसलिए माइनस लग जाएगा। इसके ऊपर पावर 5 इंटू 3 के पावर माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो आइडेंटिटी बताया कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 के पावर माइनस 15 इंटू 3 के पावर माइनस 5। अब देखिए बेटा बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 के पावर माइनस 15 प्लस माइनस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए 3 के पावर कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 15 माइनस का है, 5 भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 20 आ जाएगा और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर। समझ में आया बेटा। तो आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने। मैं इसे रफ करता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है बेटा -4 के पावर -3 मल्टीप्लाई 5 के पावर -3 मल्टीप्लाई -5 के पावर -3। देखिए बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर सेम है ना, तो इसके रूल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए जरा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर देखिए पावर 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 हर जगह अगर पावर सेम है, तो एक आइडेंटिटी बताया था कि अगर ए के पावर एम है इंटू बी के पावर एम है, तो बेटा देखिए यहाँ बेस अलग भले है लेकिन पावर सेम है, तो ए इंटू बी और इसके पावर सिंगल पावर एम लग जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, -5 करके उसके ऊपर पावर 3 लगा देना है, तो ब्रैकेट के अंदर -4 × 5 × -5 के पावर -3। जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा कितना, 5 × 4 = 20 के पावर -3। अब हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/100 के पावर 3, तो आप इसमें से कोई भी एक आंसर नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह से सोल्यूशन होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को रफ करता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करिए, मैं 3 सॉल्व करता हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला बेटा, इसमें दिया 1/8 1/8 मल्टीप्लाई 2
टू के पावर माइनस थ्री, जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो वन अपान, बताइए एट को टू के पावर थ्री लिख सकते हैं ना, आप वो कैसे लिख सकते हैं बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे हमने एट को टू मल्टीप्लाई टू या टू के पावर थ्री लिख सकते हैं। तो इस वेज से हमने क्या किया, एट को ऐसे लिख दिया इंटू टू के पावर माइनस थ्री, यहाँ है टू के पावर माइनस थ्री। अब आपको पता ही है बेटा कि जब यहाँ पावर माइनस में इसको नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो वन अपान टू के पावर थ्री मल्टीप्लाई वन अपान टू के पावर थ्री, देखिए बेटा ये यहाँ बिल्कुल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगा, तो वन अपान टू के पावर सिक्स हो जाएगा बेटा, ये होगा इसका आंसर। चलिए बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रहा था हमें, सेम यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा माइनस फोर के पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव अपान फोर के पावर फोर है, देखिए बेटा यहाँ क्या है वही काम करेंगे, मैंने बताया था ना कि जब देखिए पावर बिल्कुल यहाँ पर पावर क्या है बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो माइनस का फोर मल्टीप्लाई फाइव अपान फोर और उसके पावर फोर, देखिए बेटा फोर से फोर कैंसिल हो गया, माइनस फाइव के पावर फोर इसका आंसर हो गया। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स को, और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कितना आता है।